हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल वे टू सक्सेस। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी। खुशखबरी है कि यूपी लेखपाल की भर्ती बहुत ही जल्द स्टार्ट होने वाली है, और जिसके लिए उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन यानी कि विज्ञापन जनवरी में ही पब्लिश किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, यूपी लेखपाल के साथ साथ और कई अलग अलग डिपार्टमेंट में भर्ती आने वाली है, जिसमें कनिष्ठ सहायक यानी कि जो आपका जूनियर असिस्टेंट है, खाद्य पर्यवेक्षण, कितने ही सारे अलग अलग डिपार्टमेंट में वैकेंसी आने वाली है, और इन सभी के लिए जनवरी में ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन पब्लिश किया जाएगा यूपी SSSC द्वारा। तो फ्रेंड्स, इसके बारे में आपको यूपी लेखपाल में कितनी वैकेंसी होंगी, किस डिपार्टमेंट कितनी कितनी वैकेंसी होगी, ऑनलाइन फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे, रिटिन एग्जाम कब से स्टार्ट होगा, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात कि यूपी लेखपाल में SSSC सर्टिफिकेट जरूरी है या नहीं, इस वीडियो में आपको कंप्लीट डिटेल देने वाला हूं प्रूफ के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं जिस आर्टिकल के बारे में बात कर रहा था वो है ये, आप देख सकते हैं ये अमर उजाला का न्यूज़पेपर है और कल का ये न्यूज़पेपर है। यहाँ पर लिखा है युवाओं के लिए नौकरी लाएगा नया साल। तो फ्रेंड्स देखते हैं इसमें जूम करके लिखा क्या है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जनवरी में 2 विज्ञापन जारी करने की योजना। आयोग के पास लोअर सबोर्डिनेट व समूह ग के करीब 10,000 पदों से अधिक रिक्त पदों पर भर्ती के प्रस्ताव आ गए हैं। राजस्व लेखपाल के रिक्त पदों पर भर्ती का प्रस्ताव जल्दी आने की संभावना है। आयोग जनवरी में 2 विज्ञापन जारी करने की योजना पर काम कर रहा है। वर्ष की पहली तिमाही में करीब 15,000 पदों पर भर्ती शुरू करने का प्रयास है। तो फ्रेंड्स, यहां पर पता चल रहा है कि जनवरी में ही 2 विज्ञापन जारी कर दिए जाएंगे यूपी SSSC द्वारा, और महीने की और साल के पहले 3 महीने में ही करीब 15,000 पदों के ऊपर भर्ती निकाली जाएगी। तो फ्रेंड्स देखते हैं इसमें कौन कौन सी भर्ती शामिल है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें दिए हुए हैं रिक्तियों की संख्या, दिए हुए हैं और पद दिए हैं, किस किस पद के ऊपर भर्ती निकलने वाली है। सबसे पहले लोअर सबोर्डिनेट, जिसमें 1,000 पद खाली हैं। कनिष्ठ सहायक यानी कि जो जूनियर असिस्टेंट वाली भर्ती है, उसके 6,000 पदों पर भर्ती निकलने वाली है। चकबंदी व राजस्व लेखपाल, जो कि काफी दिनों से काफी लोग इसका वेट कर रहे हैं लेखपाल की भर्ती का, उसके 6,500 पद खाली हैं, 6,500 पदों पर भर्ती निकलेगी। बाल विकास एवं पुष्टा आहार, इसके भी करीब 150 पद खाली हैं, और होम्योपैथ व आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट के भी 550 पद खाली है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं UPSSSC पहले 3 महीने में करीब 15,000 पदों पर भर्ती की तैयारी कर रहा है। लोअर सबोर्डिनेट के करीब 1,000 पदों पर भर्ती का प्रस्ताव। बाबू के 6,000 पद खाली है, यानी कि जो क्लर्क है आपके कनिष्ठ सहायक हैं। तो यहां पर देखते हैं अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूपी SSSC प्रदेश के नौजवानों के नए साल में बड़ी नौकरियों की सौगात लाएगा। आयोग नए साल के शुरुआती 3 महीनों में करीब 15,000 पदों से अधिक रिक्त पदों पर भर्ती की तैयारी कर रहा है। इसमें लोअर सबोर्डिनेट के करीब 1,000 पद शामिल है। योगी सरकार ने आयोग के पुनर्गठन के बाद लोअर सबोर्डिनेट के पदों पर भर्ती नहीं हुई है। तो यहां से देखें, आयोग को अलग अलग विभागों में आपूर्ति निरीक्षक, मार्केटिंग इंस्पेक्टर, खाद्य निरीक्षक, सहायक चकबंदी अधिकारी और नगर पंचायत व नगर पालिका परिषद के रिक्त पदों पर भर्ती प्रस्ताव मिल चुके हैं। करीब 1,000 रिक्त पदों के लिए जनवरी में ही आवेदन की तैयारी है, यानी कि करीब जो 1,000 पदों के ऊपर भर्ती होगी उसका जनवरी में ही नोटिफिकेशन आ जाएगा, आवेदन भी जनवरी में ही शुरू हो जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा है, और बाकी यहाँ पर लिखा है इसी तरह कुछ दिन पहले ही आयोग ने कनिष्ठ लिपिक के 5,270 पदों की कार्रवाई पूरी कर चयनित अभ्यर्थियों को विभाग का आवंटन किया है। अलग अलग विभागों से कनिष्ठ लिपिक के करीब 6,000 रिक्त पदों पर भर्ती का प्रस्ताव आ गया है। यहाँ पर कनिष्ठ सहायक की जो भर्ती है 6,000 पदों के ऊपर, उसका भी प्रस्ताव यूपी SSSC के पास आ चुका है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर साल के पहले 3 महीने में करीब 15,000 टोटल वैकेंसी निकाली जाएंगी, जिसमें आपकी 4-5 अलग अलग वैकेंसीज हैं, यानी कि अलग अलग डिपार्टमेंट है। तो फ्रेंड्स ये आपके लिए बहुत ही जबरदस्त न्यूज है। और अब बात आती है कि इसमें जो यूपी लेखपाल है या फिर कनिष्ठ सहायक है, इसमें इस बार भी SSSC अनिवार्य है या फिर नहीं। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि इसमें SSSC अनिवार्य होगा लेखपाल और कनिष्ठ सहायक भर्ती के लिए। SSSC इसमें कंपलसरी होगा। अगर आपके पास अब भी SSSC नहीं है तो आप जल्दी से ही SSSC के लिए अप्लाई कर दें। तो फ्रेंड्स मैंने आपको पूरा आर्टिकल दिखा दिया, जिससे आपको यही पता चलता है जो यूपी लेखपाल की वैकेंसी होगी करीब वो 6,500 वैकेंसी आने वाली है, और साथ ही 6,000 वैकेंसी कनिष्ठ सहायक यानी कि जूनियर असिस्टेंट की भी आएंगी।
तो फ्रेंड्स आपके लिए बहुत ही बढ़िया एक ये गोल्डन चांस है। अगर आपने अभी तक अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किया यूपी लेखपाल के लिए तो आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि वैकेंसी जनवरी के लास्ट वीक या फिर फरवरी के फर्स्ट वीक तक स्टार्ट हो जाएंगी यूपी लेखपाल की। तो फ्रेंड्स आर्टिकल में आपको पता चल गया हो कि पहले 1000 वैकेंसी के लिए जनवरी के महीने में ही एक नोटिस पब्लिश किया जाएगा, यानी कि विज्ञापन पब्लिश किया जाएगा। तो फ्रेंड्स बाकी का अपडेट मैं आपको टाइम टू टाइम देता रहूंगा, जो कि मुझे यूपी ट्रिपलएससी की तरफ से मिलता है ऑफिशियल नोटिफिकेशन या फिर यूपी ट्रिपलएससी लेखपाल की तरफ से, मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन वीडियो के थ्रू देता रहूंगा। इसलिए अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों का शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि मैं डेली आपके लिए ऐसी वीडियो लेकर आता रहता हूँ। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।